हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग्स। सो राइट नाउ अभी मैं निकल रहा हूँ नेग्रोटा की साइड को। एक्चुअल में मैं जा रहा हूँ अपनी सिस्टर के घर पे एंड मिंगू से भी मिलने जा रहा हूँ मैं। मिंगू जिनको नहीं पता है वो है शाइसा, जो कि बेबी डॉल है एंड उसका भी मैंने एक ब्लॉग बना रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। जो जो नए हैं जिनको नहीं पता शाइसा कौन है एंड जिसको मैं मिंगू बोलता हूँ वो कौन है, सो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो। एक्चुअल में मेरी सिस्टर है, सगी बहन है, उसके घर पे जा रहा हूँ मैं। एक्चुअल में मेरा घर पे मन नहीं लग रहा है यार, और अकेला हूँ मैं, थोड़ा एम्प्टीनेस हो रहा है। किसी ने सच बात बोली है कि माँ के बिना घर अधूरा होता है, और सच में आई फेल्ट डैट एंड बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। तो मेरी बहन है, उसका बर्थडे है कल, तो मैंने सोचा कि चलो उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं एंड केक वगैरह पैक करा के सीधे उसके घर पे जाके उसको सरप्राइज़ करते हैं। सो फिलहाल जो मिंगू है उसके कपड़े भी देने हैं क्योंकि उसको ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह आए हैं, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे होंगे। सो ये हैं उसके कपड़े, ये भी वापस करने हैं, मतलब उनको देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 pairs हैं इसके कपड़े हैं, सारे ऑर्डर आया हुआ था। सो ये भी जाके देते हैं एंड उसको सरप्राइज वगैरह करते हैं एंड मिंगू से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए और उनसे भी मिलते हैं जाके। तो भाई साहब गलत ही मौसम हो रखा है यहाँ पे एंड ऐसा कुछ मौसम हो रखा है, पूरा क्लाउडी है एंड फुल पावर हवा चल रही है भाई लोग यहाँ पे। एंड अभी चलते हैं सीधे योल बाजार की साइड को एंड वहाँ पे जाके केक वगैरह, कोई बेकरी की दुकान वगैरह ढूंढते हैं एंड वहाँ पे केक वगैरह खरीदते हैं क्योंकि कल उसका बर्थडे है। सो केक वगैरह भी कटवाएंगे, सो उसको सरप्राइज करते हैं जाके केक वगैरह के साथ। तो टिल देन आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। सो पहुंच गए हम बेकरी भी एंड ठीक मेरे पीछे बेकरी है, यहाँ पे चेकआउट करते हैं केक है कि नहीं है इनके पास। सो ये वाला केक फाइनल किया है, कोई साक्षी लिखवा रहे हैं इसके ऊपर। सो भाई लोग आ गया हमारा केक भी एंड बस यार ये हिल है ना, अगर ये हिल गया तो सारा केक खराब हो जाएगा। तो भाई लोग केक भी हमने ले लिया है एंड बहुत ब्यूटीफुल केक है यार, जरूर वो खुश होगी इस केक को देख के। एनीवेज अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उसका घर है नगरोटा में, नगरोटा के अपर एरियाज में उसका घर पड़ता है। एक्चुअली मैं आपने देखा होगा नगरोटा का डिग्री कॉलेज जो है बस उसके ऊपर ठीक उसका घर है। एंड अभी मैं रास्ते में पहुंच चुका हूँ एंड मौसम एकदम अल्टीमेट सेक्सी हो रखा है यार, एकदम ठंडी हवा चल रही है एंड ऊपर साइड तूफान चल रहा था अभी और बारिश वगैरह भी हो रही है, तो मौसम उस कारण ठंडा हो चुका है पूरा। सो काफी एंजॉय कर रहा हूँ मैं ड्राइव का भी, आगे की सीन्स मैं आपको पोस्ट करते रहूंगा। तो आ गया पेट्रोल पंप भी, आप भरवा लेते हैं इसमें पेट्रोल भी, इतना खाती है। अच्छा मैंने मर्सिडीज रखी होती ना वो भी इतना नहीं खाती होगी जितना ये तेल खा जाती है बेला। एक्चुअली में कार पुरानी हो गई है सो ज्यादा पेट्रोल खाती है ये। डलवा लिया है बेला में पेट्रोल भी एंड आप सीधे निकलते हैं डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिंगू से मिलते हैं जाके। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद मिलने लगा हूँ उससे और अब वो बड़ी भी होगी पहले से। सो जब वो पैदा हुई थी एक्चुअल में मैंने वो उसका पूरा ब्लॉग बना के रखा हुआ है कि कौन से हॉस्पिटल में वो पैदा हुई है एंड आप उस ब्लॉग को ज़रूर चेकआउट करना है, बहुत अच्छा ब्लॉग बना है वो भी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो जो नए हैं जिन ने वो ब्लॉग नहीं देख रखा है सो डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर सकते हो वो ब्लॉग। सो पहुंच चुके हैं हम नगरोटा। नगरोटा वालों यार कमेंट करो क्या कर रहे हो यार तुम लोग, यूनिटी दिखाओ थोड़ी। ये गया भाई डिग्री कॉलेज का रास्ता, ये तो ठीक ट्रक आ रहा है सामने, यहीं को मुड़ना हमने भाई। ये आ गया हमारा सामने डिग्री कॉलेज, जो भी बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह की चलती है ये कॉलेज बनाया है यार। मेरे को वैसे देख के बहुत दुख हो रहा है, किस जंगल वाली लोकेशन में यार तुम्हारा कॉलेज बनाया हुआ ये सच में आई कैन फील योर पेन गाइज। देखो जरा एक बार एरिया चेकआउट करो, और ये सारा कॉलेज है साइड में, और यहाँ पे कैसे रहना यार, इवन पीजीज वगैरह का भी खतरनाक सीन होगा यहाँ पे, और टाइम पास भी कैसे करना है जैसे हमारा कॉलेज वगैरह होते हैं जब टाइम पास वगैरह कर सकते हैं दोस्तों वगैरह के साथ, कहीं जा सकते हैं और कहीं घूमना वगैरह हो, खतरनाक सीन है भाई यहाँ पे जो भी बंदे पढ़ते हैं। सो यार ऐसे एरिया में पहुँचो, ये मसल का एरिया पड़ता है नगरोटा के ऊपर। सो यहाँ पे अभी पूरा ये जंगल में लगा हुआ है पूरा फायर यहाँ पे, और एक्चुअल में जो पेड़ है ना सामने इस पर आग लगी हुई है यार बेचारे पे इस पर, और इसको देख के मेरे को बहुत दुख चढ़ रहा है यार, बेचारा इस टाइम कितने तकलीफ में होगा, है तो लिविंग थिंग ही यार ये भी। सो काश ये पास होता तो मैं इसको पानी से बुझा देता, पर बहुत दूर है नीचे जंगल में जाके। सो पूरा जंगल ये पूरा ना पूरा का पूरा आग से ढका हुआ है यार, गलत। वैसे आग खुद नहीं लगती है क्योंकि इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है यार इस एरिया में ना कि आग लगे यहाँ पे। एक्चुअल में जो यहाँ के वो होते हैं वो जिन लोगों ने मतलब एनिमल्स वगैरह पाल के रखे होते हैं, जो गाय वगैरह होती है वो पाल के रखे होते हैं इन्होंने, तो उनको चारा देने के लिए इस जंगल को जलाया जाता है क्योंकि जब तक ये इस जंगल को जलाएंगे नहीं तो फ्रेश घास नहीं उगती है तब तक। सो इन जंगलों को जलाना पड़ता है, देन उसके बाद एक प्योर घास उगती है इसके बाद एंड जो कि फीड रहती है एनिमल्स के लिए उनके, तो उनको इस चीज़ के लिए करना पड़ता है। अभी पूरा एरिया ये जो सड़क है बन रही है एंड कुछ ऐसा एरिया है यार, लोकेशन चेकआउट करो
क्या सेक्सी वादियां यहाँ की। तो ये सारे जंगल चीड़ के पेड़ों के जंगल है एंड ये सारे के सारे जला रखे हुए हैं। तो एक्चुअल में एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं यहाँ की। वो आप स्टीप देखो कितना, ये कितनी ढलान है। सो एक्चुअल में यहाँ से बसेस जाती हैं। सो वो बसेस पूरी ओवरक्राउड होकर जाती हैं क्योंकि सारे गाँव के लोग उसी बस में बैठे होते हैं, क्योंकि बार बार बस तो आती नहीं है। सो एक ही बस में लोग बैठते हैं और जिसकी वजह से वो ओवरक्राउडेड हो गई थी और एक्स्ट्रा वेट हो गया था बस में। सो ये देखो कितना स्टीप एंगल है, यहाँ पे बस की ब्रेक्स फेल हो गई है। कैन यू इमेजिन, बस की ब्रेक्स फेल हो गई हैं और बस की किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि रोड में आगे से कोई भी कुछ नहीं आ रहा था, तो जो ड्राइवर था वो यहाँ से इसको सीधे लेके जाके मतलब फुल स्पीड होगी, मतलब अराउंड 100 के अराउंड तो पहुँच ही गई होगी बस। सो किस्मत से ये मोड़ आ गया यहाँ पे। सो बस उसने यहाँ से नीचे उतार दिया एंड वहाँ पर जाके फंस गई हुई आगे। सो कुछ ऐसे से किस्मत थी उन बस वालों की भी और ड्राइवर की भी, किसी को भी मतलब छोटी मोटी इंजरीज तो आई होंगी बट किसी की डेथ नहीं हुई। नहीं बोला मुझे लगा रहे, तो मैंने खुद को बोला बस तू अपना सगा रहे और लगा रहे। ऐसे लड़के लगा रहे। सो ऑलमोस्ट मैं उनके घर पहुंच चुका हूँ एंड आगे जाके मैं कुछ शूट नहीं करना चाहता उनके घर पे, क्योंकि ईश्वर के घर पे मैं कम ही शूट करता हूँ। सो आगे जाके हम मिंगू से मिलेंगे, जब शाइशा से मिलेंगे तो मैं वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ जब मैं उसके रूम पे होऊंगा। सो उससे जाके मिलते हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं उससे मिलने के लिए। ये आ गई है हमारी मिंगू, रो रही है और बहुत ज्यादा। मिंगू रो रही है बड़ी ज्यादा ना। ये आ गई हमारी मिंगू हमारे पास, बड़ी हो गई है ना बेटी। बहुत बड़ी हो गई है अभी तो। कल इसको ड्रेसेस वगैरह पहनाएंगे, पहनाएंगे नहीं कल कल इसको ड्रेसेस वगैरह पहनाएंगे। अब हम जो क्यूट क्यूट ड्रेसेस आई हैं इसकी, क्या बोलती है बेटी? साइशा साइशा, ये लाइट को देख रही है कैसी लाइट पड़ रही है। तो अभी रात के बज रहे हैं 10, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया क्योंकि किसी और के घर पर मैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं करता हूँ। अब कल मॉर्निंग में इसमें ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं इसको एंड इसको रेडी वगैरह करके मैं मॉर्निंग में ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। टिल देन आई कीप यू गाइस पोस्टेड। सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी बहन के घर पे एंड ये अभी तक सोई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले उठी थी, अभी इसको नई ड्रेस बनाई हुई है, अभी नहाई है ये, नहलाया है और अभी सोई अभी है। उठ जाओ साइशा, वो भी हमारी उठ चुकी है एंड अब उसका फोटो शूट वगैरह करते हैं एंड देन तेरा केक भी काटना है ना। बस थोड़ी देर में इसका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट वगैरह किया है एंड सुबह किया था इसका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट। अभी 2 बज रहे हैं और 2 बजे लंच वगैरह करके अब मैं सीधे निकल रहा हूँ अपने घर को। सो ये है निंगू। कितनी प्यारी है यार ये। तो एक्चुअली मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि सब बैठे होते हैं और मेरे को अच्छा नहीं लगता ना सारे देखते वगैरह, तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं किया। सो एनीवेज अभी मैं निकल रहा हूँ 2 बजे एंड 3 के बजे घर पहुँच जाऊँगा। मेरे को मिस नहीं करेगी तू? नो, मिंगू तो करेगी मेरे को मिस है ना मिंगी। मिंगू मिंगू ओके। सो अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर को एंड वहाँ से निकल आया हूँ। सो एक्चुअल में मैंने ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया है और मतलब आप रख लो कि मैंने एक दिन का मतलब कुछ भी शूट नहीं किया है। एक दिन मैं पीछे हो गया हूँ फिर से एंड फिर से मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअल में मैं कोई दिन स्किप नहीं करना चाहता हूँ यार, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो और पूरा मतलब 100% देने की कोशिश करते हो, एवरीडे वीडियो वगैरह बना के एडिट वगैरह करके हार्ड वर्क करता है ना बंदा, तो मतलब बुरा लगता है जब एक दिन स्किप हो जाए। शायद वही बात होनी है। तो यार बेला का पेट्रोल फिर से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड आप सोचते होंगे रोज रोज ही पेट्रोल पंप चल जाता है, एक्चुअल में जो इसकी निडल है पेट्रोल वाली वो खराब हो चुकी है। सो मैं एस्टिमेट से ही चला होता हूँ, 700 का फ्यूल डलवाया हुआ था इसमें। सो हम काफी दूर तक गए हुए थे कल घूमने, सो 500 का ऑर्डर ला लेते हैं। अभी चल चुका है इसमें पेट्रोल भी एंड अब सीधे घर को निकल रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ यार, बुरे हाल से थक चुका हूँ। एक तो गर्मी इतनी है यहाँ पे, फुल पावर गर्मी है भाई लोग यहाँ पे। अपनी बहन के घर से मैं वापस आ गया हूँ। एक्चुअल में 8:25 हो रहे हैं अभी रात के। सो मैंने कुछ आगे शूट नहीं वगैरह नहीं किया। एक्चुअल में मैं इतना थक चुका हुआ था कि मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं ब्लॉग एंड कर दूँ और घर पे आया हूँ। ये भी बता दूँ मैं जस्ट कार पार्क की है मैंने नीचे गैरेज में और सीधे आके घर पे बेड में आके सो गया हूँ भाई। मैं मेरे को कोई होश नहीं है, मैं एकदम 7 बजे उठा हूँ एंड 8 बजे मेरे को फ़ोन आया कि खाना वगैरह खाने आ। सो अभी 8:25 हो रहे, तो मैं खाना वगैरह खाने जा रहा हूँ अपनी मौसी के घर पे। एक्चुअल में मेरे को आज ठंड लग रही है, आई डोंट नो व्हाई,
सो मैं आज सोनिक को नहीं, आज बेला में जा रहा हूँ। अभी चलते हैं, बेला को स्टार्ट करते हैं। चल भाई बेला, चलिए। सो अभी इनके घर में मैं आ चुका हूँ, एंड खाना वगैरह भी मैंने खा लिया है। बहुत टेस्टी खाना बनाया था, पिज्जा बनाया था, चाउमीन बनाई थी, मोमोज बनाए थे, मटन चावल, चिकन चावल, भाई अल्टीमेटली मैंने खाते दर ये भिंडी बनाई थी मैंने एक्चुअली। सो वगैरह खा लिया, अब मैं अपने घर को निकल रहा हूँ। वैसे बोले यहाँ पे स्टे कर ले, पर इसका भी अभी पेपर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं अपने घर पे जाता हूँ इससे, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। सो निकलो ना मैं घर को, बड़ी ओवर एक्टिंग कर रही है, 10 रुपये काटे इसके ओवर एक्टिंग। चल ठीक है फिर भाई, यार जा रहा हूँ मैं। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, एंड आई विल कीप गाइस posted. Anybody out there hear me?